वीडियोस में हमने देखा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे फिगर्स, बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और बहुत सारी इक्वेशंस। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियोस लाजमी देखें। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का जो मुजस्मा है, जो उसका वजूद है, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के रिलेशन में कितना ज्यादा कामजन है, यानी कि वो कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने में। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम लोग इसी बात करेंगे। सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्रीज है, बल्कि यू नो मुझको मोर ओवर ये कहना चाहिए कि हिजाज मुकद्दस, उसका नाम हिजाज था, फिर उसको यू नो आले सऊद जो किंगडम है वो जब उन्होंने मोनाकी अपना ली, वहाँ पर कब्जा कर लिया उस्मान किंगडम के बाद, तो वहाँ पर उनका राज हो गया और फिर वो सऊदी अरेबिया कहलाने लगा, सऊदी अरेबिया उसके नाम से, वरना इसका एग्जैक्ट जो नेम था वो हिजाज था। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग बात करेंगे जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है उनका ज़हूर की बहुत सारी निशानी भी मैंने वीडियोस बनाई, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी देखें आज। लेकिन हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो एज एन स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया है, इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और इसका क्या यू नो रोल है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने में, या फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले मैं अगर बात शुरू करूँ तो इमाम जावेद सादिक साहब फरमाते हैं कि जो हिजाज है यानी कि सऊदी अरेबिया है, वहाँ का जो राजा होगा उसका नाम होगा अब्दुल्ला। जावेद सादिक साहब फरमाते हैं कि जो अब्दुल्ला है, जब वो मौत होगी, जब वो फौत होगा, जब वो इस दुनिया से जाएगा, तो उसकी फैमिली में कोई भी शख्स किसी एक मुनाक के लिए, किसी एक सक्सेसर के लिए, किसी एक वलीहद के लिए तैयार नहीं होगा और आपस में बहुत ज़्यादा टेंशन राइज हो जाएगी और लोग आपस में यू नो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए यू नो एनिमोसिटी रखने लगेंगे और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा घृणा का भाव रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि जब ये होगा तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने तक ये सारी चीज़ें टेंशन क्रिएट होता रहेगा उनकी यू नो साउथ किंगडम में, साउथ फैमिली में, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई परेशानी चलती रहेगी और ये चीज़ 100 सालों तक चलेगी। जो सऊदी अरेबिया का जो राज है वो 100 सालों तक चलेगा। मैं भी अभी फैक्ट से बात करता हूँ, लेकिन आपको मैं ये स्पेसिफिकली क्लियर कर दूँ कि इमाम जाफर सादिक साहब फरमा रहे हैं कि जो अब्दुल्ला है, जब उसकी मौत होगी तो उसकी मौत के बाद उसकी फैमिली में जितने भी लोग होंगे, चाहे उसका बेटा हो, भाई हो, एक्सेट्रा, जितने भी लोग हो, वो लोग किसी एक शख्स के लिए एज इन राजी नहीं होंगे कि वो अगला मुनाक बने, वो अगला राजा बने, वो अगला किंग बने, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगा उनकी इंटरनल अफेयर्स ऑफ फैमिली में और ये तब तक चलेगा जब तक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होता। ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं थोड़ा बात करूँगा किंग अब्दुल्ला है कौन, उसके और यू नो थोड़े से और इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तीन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। पहली चीज़, डेथ ऑफ अब्दुल्ला, जो अब्दुल्ला है उसकी मौत, जो अब्दुल्ला है किंग अब्दुल्ला, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँ तो ये अब्दुल्ला जो है, इनकी जो इंतकाल है, जो मौत है, जो इस दुनिया से ये मर के गए, वो 23 जनवरी 2015 को इनकी यू नो डेथ हुई है। ये 6th किंग ऑफ सऊदी अरेबिया थे और ये पावर में आए थे 1 अगस्त 2005 को। किसकी डेथ के बाद? इनके प्रोडेसेसर यानी कि किंग फहद की डेथ के बाद, यानी कि किंग फहद जो यू नो 5th ऑफ सऊदी अरेबिया किंग था, उसके बाद ये बने थे किंग अब्दुल्ला, जिनकी डेथ हुई 2015 23 जनवरी को और ये इन पावर आए 2005 1 अगस्त को। तो ये किंग अब्दुल्ला है और इनकी डेथ के बाद इमाम जाफर सादिक फरमान है कि इनकी डेथ के बाद इनकी फैमिली में कोई भी एक रजामंदी नहीं होगी, कोई भी एक यू नो पैक नहीं होगा आपस में और लोग आपस में यू नो परेशानियां आती रहेंगी और लड़ते रहेंगे और किसी एक के लिए वो लोग राजी नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो सेकेंड पॉइंट है, हम देखते हैं कि जो किंग अब्दुल्ला है, जब अब्दुल्ला 2015 में वो मर गए, उनका इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई, तो सलमान जो कि 7th किंग ऑफ सऊदी अरेबिया जो थे वो बने। ये कौन है? ये जो अब्दुल्ला है इनके हाफ ब्रदर है, ठीक है, ये इनके भाई हैं, हाफ ब्रदर हैं किंग अब्दुल्ला के सलमान, और ये 7th किंग ऑफ सऊदी अरेबिया बने। और आजकल इनकी जो तबीयत है बड़ी नासाज है, बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा यू नो एक समवॉट ये लो पैनिक क्रिएट हो गई है और इन्होंने अपना जो बेटे हैं, इनके जो बेटे हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो भी आप देख सकते हैं न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में, कि इनको वली अहद यानी कि क्राउन प्रिंस बनाया, यानी कि सलमान के बाद जो 7th किंग एज एन प्रेजेंट है, उनके बाद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो क्राउन प्रिंस बनेंगे सऊदी अरेबिया के, यानी कि एज एन किंग बनेगी, यानी कि अभी के तौर पर वो क्राउन प्रिंस है, वली अहद है, यानी कि इनके बाद वही बनने वाले हैं सलमान के बाद, मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊँ, अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाएँ कि जो सलमान है जो कि 7th किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, इन्होंने एक्चुअली सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान को अपना वली अहद नहीं बनाया था, क्राउन प्रिंस नहीं बनाया था, किसको बनाया था? मोहम्मद बिन नईफ को। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसका जो इंटरनल मैटर है वो किस तरीके है कि जो सलमान है उनके जो भाई थे उनका नाम है मोहम्मद बिन नईफ,
मोहम्मद बिन नईफ को सबसे पहले इन्होंने 2015 में अपना क्राउन प्रिंस यानी कि वलीयत बनाया था, लेकिन कुछ इंटरनल अफेयर्स या फिर कोई इंटरनल पैक्ट नहीं हो पाया, कुछ इंटरनल एनिमोसिटी हुई और उसकी वजह से 2017 में मोहम्मद बिन नईफ को सलमान ने रिमूव कर दिया, किंग सलमान ने, और फिर इनको इन्होंने अपने बेटे को वलीयत बनाया। किसको? मोहम्मद बिन सलमान को, जो आजकल आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान जो है वो सऊदी अरेबिया का सर्वे सर्वा मेन एज एन मेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, मेन किंग है, एज एन समवट किंग है, अभी तो क्राउन प्रिंस है। तो ये जो है यानी कि इसके अंदर इंटरनल अफेयर्स में कुछ खराबियां चली आपस में, इसमें कोई एक दूसरे के लिए गिला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो ये इंटरनल पैक्ट चला है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट अब्दुल्ला की डेथ और उसके बाद सलमान का किंग बनना, और उसके बाद पहले 2015 में मोहम्मद बिन नईफ को अपना क्राउन प्रिंस बनाना, लेकिन कुछ होने के बाद 2017 में उनको हटा के मोहम्मद बिन सलमान को अपना क्राउन प्रिंस बनाना, यानी कि अपने बेटे को। अगर हम लोग थोड़ी आगे बात करें तो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। वो चाहता है कि मैं ही राजा बनूं और कोई भी और इंसान मेरी फैमिली का, मेरे कजन का कोई भी इंसान राजा ना बने। तो उसने कुछ ईगोइस्टिक पैथरे अपनाए और गलत गलत चीज़ें की, आप सब जानते हैं अगर आप लोग इंटरनल स्टडी करें, रिसर्च करें। तो उसने अपने कजिन के साथ कुछ चीज़ें की कि थ्रेटन कर दिया कि पूरी तरह मैं ही राजा बनूंगा और कोई राजा नहीं बनेगा। तो जो इमाम जाफर सादिक सलाम फरमाते हैं कि अब्दुल्ला की डेथ के बाद जितनी भी खराबियां वो सब शुरू हो जाएगी। तो आप वो देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर शुरू हो रही है, अभी शायद घर के अंदर है लेकिन धीरे धीरे घर के बाहर भी बात आने लगी है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो 100 साल जो मैंने शुरू में फरमाया था कि जो सऊदी अरेबिया किंगडम है उसकी 100 साल की रूलरशिप होगी, 100 साल की ये किंगशिप होगी। तो इसमें अगर हम लोग देखें जो सऊदी अरेबिया है वो 1923 में, फैक्ट्स में बात कर रहा हूँ, 24 जुलाई 1923 में जो उस्मान किंगडम यानी कि जो अभी मौजूदा सऊदी अरेबिया का जो पूरा एक किंगशिप है, एक मोनार्क है, इसके पहले जो घराना था जो यहाँ पर रूल कर रहा था, जो किंगडम था, जो जिनका एम्पायर था, वो था उस्मान किंगडम। जो उस्मान किंगडम है वो रिमूव हो गया 24 जुलाई 1923 में, और 1923 के बाद जो अभी एज इन मौजूदा मोहम्मद बिन सलमान, सलमान अब्दुल्ला, ये जो आले सऊद, इनको आले सऊद कहा जाता है, ये सऊद की फैमिली है, इनका किंगडम शुरू हुआ और ये 1923 में शुरू हुआ। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सऊद है इनका जो पूरा किंगशिप मोनार्क है ये 100 सालों तक चलेगा। तो अगर हम लोग 1923 से जोड़ें तो 1923 प्लस 100 ईयर्स आता है 2023। और मैंने वीडियोस बनाई है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतालिक, वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि वो एज एन कैलकुलेटेड प्रोडिक्शन है, प्रोफेसी नहीं, कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 2023 में हो सकता है। ये कोई एज एन बुनियादी तारीख नहीं कि इसी में आएंगे, सिर्फ एक अकीदत मंजी का इजहार है कि इसमें आ सकते हैं। तो यानी कि जो हम लोग चलिए एज एन ऑन पेपर देखें तो जो साउथ किंगडम है वो ख़त्म हो रहा है 2023 में, यानी कि जो 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं वो 2023 में हो रहे हैं, 1923 से प्लस 100 आउले सऊद का किंगडम का जो एंडशिप है वो है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी और हमने ये भी देखा था, मैंने आपको बताया था कि दो इमाम का ज़हूर है वो 2023 में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं अभी मौजूदा दौर पे हो रही है। जो मोहम्मद बिन सलमान है वो किसी की नहीं सुन रहा, वो सिर्फ अपनी चला रहा है और अपनी फैमिली का मेन सर्वे सर्वा बना हुआ है और वो पूरी तरह डोमिनेंट पर्सनैलिटी बन चुका है अपने पूरे घराने में, और किसी को भी राजा बनने की सहूलियत अदा नहीं करेगा, और वो हम लोग वाजे तौर पर देख सकते हैं। और कि तुम मुझको अब्दुल्ला के मरने की खबर दो और मैं तुमको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के अराइवल की खुशखबरी दूंगा, यानी कि किंग अब्दुल्ला की मौत हो चुकी है, किंग अब्दुल्ला इस दुनिया से जा चुका है, किंग अब्दुल्ला इस दुनिया से फौत हो चुका है। और अगर हम लोग किंग अब्दुल्ला की मौत के बाद जो इमाम का फरमान है वो ये है कि किंग अब्दुल्ला के बाद जब मौत हो जाएगी तो उसके बाद बहुत ज्यादा नजदीक है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का सऊर। तो इस हिसाब से हम लोग पूरी जो कैलकुलेशन और जो मैथमेटिकल ऑर्डर है वो यहां पर जो मिल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जो जहूर है इंशाल्लाह ताला एक अकीदत मंदी के इजहार पे 2023 में जरूर हो सकता है, क्योंकि किंग अब्दुल्ला का मरना, 100 साल कंप्लीट होना, आले सऊद का किंगशिप खत्म होना, मुनार के आपस में इंटरनल मैटर्स में लड़ाई झगड़ा होना, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है आपको और मेरे मौला इमाम मेहदी आखिर जमा के आने में। तो हम लोग दुआ करें और हम लोग खुदा से ये एक मांगे कि इमाम मेहदी इस्लाम को जल्द से जल्द इस दुनिया में भेजे और ताकि वो पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ के साथ भर दे और सारी खराबियाँ, सारी मजलूमियाँ, सारी जितनी भी परेशानी है उस सबको खत्म कर दे, क्योंकि वही खुदा की आखिरी उज्जत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद प्लीज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और भी देखिए कि वाकई आपको ये सारे फैक्ट्स में फिगर्स अच्छे लगे कि नहीं लगे। मैंने पिछले पूरी लिस्ट बनाई है मैम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतालिक, मुलाकात के मुतालिक, उनके आने के मुतालिक, वो कौन है इसके मुतालिक, उनके अपीयरेंस के मुतालिक वगैरह वगैरह। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मैं यहाँ पर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और यहाँ पर भी टैग में भी दे रहा हूँ, आप दोनों जगह वो वीडियोस देखें, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। और हर मौजूद मेंबरान के साथ ये वीडियो शेयर कर दी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है ज़हूर।
अब आप तैयार हो जाइए, मोमिन हो जाइए, सारे गलत काम छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका और मेरा मौला और आका इमाम बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। मौजूद तो है ही, पर्दे गदद उठाने वाला है। ये कहूँगा मैं, अल्लाह जैसा चाहता है, जब चाहता है तब वो सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपसे जान लेता हूँ, फिर एक वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, क्या खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो, खुदा हाफिज़।